फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में। आज हम कॉमर्स टाइम के अंदर लेके आए हैं ख्याति, गुडविल क्या होती है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी की ख्याति इतनी ख़राब है कि हम लोग इस कंपनी को नहीं खरीद सकते, या फिर इस कंपनी की ख्याति इतनी बढ़िया है कि इसे दोगुना दाम पर भी ख़रीदा जा सकता है। तो ख्याति का क्या अर्थ है, ख्याति से क्या सीखने को मिलता है और ख्याति किस प्रकार से काम करती है व्यवसाय में, इस बारे में हम जानेंगे कॉमर्स टाइम में। तो हम ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज बात करेंगे हम लोग ख्याति, गुडविल होती क्या है। गुडविल नाम से ही पता चल रहा है, गुडविल, गुड मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ होता ही है। हमको तो यही लगता है कि काफ़ी अच्छा ही चीज़ होता होगा गुडविल। तो गुडविल से क्या मतलब है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें लिखा है, आपकी थ्योरी लिखी है कि साधारण भाषा में ख्याति किसी व्यापारिक संस्था की अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को कहते हैं। ये कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत, कि अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। तो लाभ तो कई चीज़ों से कमाया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो उसका ख्याति से क्या मतलब है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नया व्यापार स्थापित करने पर व्यापारी के लिए कम से कम लाभ की एक ऐसी सीमा अवश्य होती है जो इस व्यापार से उसे मिलनी ही चाहिए। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि मैं अगर इस व्यवसाय को ख़रीद लूँ तो इतना मुझे मिलना ही चाहिए, इससे कम तो नहीं मिले। तो फिर लेने से फ़ायदा क्या अगर उससे कम मिलता, अर्थात उसे उतना लाभ अवश्य होना चाहिए जिसे व्यापार का संचालन तथा प्रबंध व्यय, पूंजी पर ब्याज एवं जोखिम उठाने का प्रतिफल प्राप्त हो सके। व्यापार का संचालन यानी कि व्यापार को चलाने के लिए प्रबंध का खर्चा और पूंजी पर जो भी ब्याज है वो, और जो भी जोखिम हो उसको उठा सके, ऐसा जो है आपको रिजल्ट मिले तो ही फिर हम व्यापार कोई खरीदेंगे। ऐसी फर्म को औसत अथवा सीमांत फर्म यानी कि एवरेज और मार्जिनल फर्म कहते हैं, और उसके लाभ को सीमांत लाभ कहते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट कहते हैं। तो इतना कुछ तो काफ़ी खिचड़ी बन गया, समझ में नहीं आ रहा होगा। चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं कि होता क्या है। सीमांत लाभ प्राप्त करने में ख्याति का कोई योगदान नहीं होता। अभी तक तो हमने पढ़ा कि ख्याति ख्याति क्या होती है, और यहाँ पे लिख रहा है कि ख्याति का कोई योगदान ही नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सी फर्मों का वास्तविक लाभ सीमांत लाभ से अधिक होता है, इसे अधिलाभ या व्यापारिक लाभ या फिर सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं। किसी फर्म की यह सुपर प्रॉफिट प्राप्त करने की क्षमता ही ख्याति है। जैसे जैसे किसी फर्म की ख्याति बढ़ती है उसके अधिलाभ की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो ख्याति का अर्थ कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, इतना आप समझ लीजिए कि एक काफ़ी सालों से कमाई हुई एक इज्जत, एक रेपुटेशन जो उससे लोगों को अटैच हो, ताकि अगर हम मान लीजिए अगर 5 साल से व्यापार चल रहा है तो व्यापार कितना अपना रेपुटेशन लोगों के बीच में बना चुका है, कितने लोगों को आकर्षित करके अपना कस्टमर बना चुका है, कितने कस्टमर पहले से बढ़े हैं न कि कम हुए हों। अगर कम हुए हैं तो भी वो एक बुरी ख्याति है, लेकिन ये अच्छी ख्याति आपको मानी जाती है कि अगर आप बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें ही ख्याति कहलाती हैं। अगर कंपनी को आपने 10 रुपये से स्टार्ट किया और आज 2 साल में 1000 रुपये लेके आए हैं तो ये आपकी जो है 990 रुपये की ख्याति है। तो ख्याति का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी परिभाषा है इसकी जिसे हम पढ़ते हैं। ख्याति व्यापार का वह लाभ है जो व्यापार की नेकनामी, प्रसिद्धि और अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। यह वह आकर्षण है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने स्थापित व्यापार को एक नए व्यापार से अलग करता है। तो जैसे पहली लाइन लिखी कि व्यापार की नेक नामी यानी कि बहुत अच्छी नाम हो, प्रसिद्धि और अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे, अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, व्यापार बहुत अच्छे तरीके से अपनी गुणवत्ता बनाए रखेंगे, बहुत ही कम मार्जिन पे और बहुत ही अच्छी वस्तु अगर आप उपलब्ध कराएंगे लोगों में, तो आपकी प्रसिद्धि और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेगा। यह वह आकर्षण है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचता है। तो आकर्षण कब बन सकता है, या तो आप कुछ अच्छा करें तभी बन सकता है, नहीं तो बुरा करने से तो बनेगा नहीं। यह एक ऐसी वस्तु है जो कि पुराने स्थापित व्यापार को एक नए व्यापार से अलग करती है, जो एक ऐसी वस्तु जो पुराने स्थापित व्यापार को एक नए व्यापार से अलग बना देती है, ये वह ऐसी वस्तु होती है। तो आज हम जाने कि ख्याति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा और जान जाते हैं कि किसी व्यापारिक संस्था के लाभ की मात्रा उसकी बिक्री पर ही निर्भर करती है, और बिक्री जितनी अधिक होगी लाभ उतना ही अधिक होगा। तो यही चीज़ है कि ख्याति जो है हमारी
इस तरीके से पता चलती है। तो ख्याति का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी अच्छी लगी। धन्यवाद।